स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी, रुचिरा द्वितीय भाग का पंचम पाठ अर्थात पांचवा पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ाने जा रही हूँ। पंडिता जैसे विद्वान को बोलते हैं, जो जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, वेदों के ज्ञाता होते हैं, उनको पंडित बोलते हैं। पुल्लिंग में पंडित, स्त्री लिंग में क्या आता है, पंडिता आता है। तो पंडिता रमाबाई के जीवन में, जीवन के बारे में इस पाठ में बताया गया है, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पंडिता रमाबाई ने समाज में किस प्रकार स्त्रियों की शिक्षा के लिए कार्य किया था और किस प्रकार अपने जीवन में कष्टों का सामना करते हुए उन्होंने स्त्रियों की निस्सहाय स्त्रियों की सेवा की, उसके बारे में बताया गया है। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रणीय पंडिता रमाबाई 1858 यानी कि 1858 तमी शताब्दी जन्म अलवत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय पंडिता रमाबाई 1858 में जन्म हुआ। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था, अलवत मिस हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई आस्तमिस थी। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। क्या था उस समय? स्त्रियों को शिक्षित नहीं कराया जाता था। तस्मिन काले उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, असिद्मिश थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम न आसीत। स्त्रियों के लिए, कृतिमिश के लिए, संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित न आसीत, नहीं थी। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयते। किंतु डोगरे रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया, संस्कृत की शिक्षा दी, संस्कृत का अध्ययन कराया। एतर्थम, रिपीट कर रही है, किंतु डोगरे रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर, परित्यज्य मीन्स क्या था, छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन कराया यानी कि संस्कृत पढ़ाई। एतर्थम सह समाजस्य पत्राणाम अपि असहत। इसलिए उन्होंने समाज की ताड़ना भी सही, उन्होंने क्या है, समाज से ताड़ना सही की शिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी उस समय, लेकिन फिर भी उस रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर उन्होंने क्या, अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। इसलिए उन्हें समाज में ताड़ना, मैंने ताड़ना में व्यंग सुनना पड़ा, उनकी उल्हाना का सहन करनी पड़ी, इसलिए उन्होंने समाज की ताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षायां प्राप्तवती। अनंतरम मीन्स इसके बाद रमा भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद रमा भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कला क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजातः। समय के अनुसार, काल क्रमेण समय के अनुसार रमा के पिता निर्धन हो गए। समय के अनुसार, समय जैसे बीतता गया, और रमा के पिता कैसे हो गए, विपन्न मीन्स के निर्धन हो गए। काल क्रमेण समय क्रम के अनुसार समय के बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता और बड़ी बहन चमिस और ज्येष्ठ मिस बड़ी, भगिनी मिस बहन, अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। दुर्भिक्ष पीड़िता मतलब अकाल जो पड़ा था उससे पीड़ित होकर दिवंगता में सता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। उनके माता पिता और किनके माता पिता, रमाबाई के माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता में सता है स्वर्ग सिधार गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए।
तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्रातः सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई सहमिसात के साथ पदभ्याम इस पद यात्रा करके पैदल चलकर समग्र में सारी भारत घूमी। पैदल सारे भारत घूमी पदभ्याम इस पैदल समग्र में सारे भारत मिस भारत अभ्रमत घूमी। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत घूमी। भ्रमण क्रमे सह कोलकाता प्राप्त है, घूमते हुए वह कोलकाता पहुँचे। संस्कृत वैदिश्यन सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाध्याम विभूषिता। संस्कृत विदुषी के कारण, संस्कृत में विद्वान होने के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। कौन हुई? रमाबाई। संस्कृत विदुषी होने के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभावितः विद्याध्ययनम अकरोत्। वह ब्रह्म समाज से प्रभावित विद्या अध्ययन किया। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययन किया। वहीं वहाँ ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययन किया। वेद अध्ययन किया। वहीं वहाँ ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलन प्रारब्धी। पश्चात उसके बाद वह स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 यानी कि 1880 में तमे शताब्दी सा विपिन बिहारी दासीन सह बाकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ सहमी साथ बाकीपुर न्यायालय में विवाह किया। साधे एक वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। सार्ध किसके लिए आता है? 30 मिनट के लिए। एक तो कितना हो गया? डेढ़ वर्ष के बाद उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। किनके पति? रमाबाई के पति। किसका? दिवंगत यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, स्वर्ग सिधार गए। रिपीट कर रही हूँ, 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बाकीपुर न्यायालय में विवाह किया। डेढ़ वर्ष बाद उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रति आगच्छत। उसके बाद वह अपने पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। प्रति आगच्छत मीन्स लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाए च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए सहमी उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। स्वयं होता है अपना। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। किन्होंने? रमाबाई ने। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष में सामने हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। गतवती गई
वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभावितः जातः। वहाँ तत्र मीन्स क्या था, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के विषय में उत्तम उत्तम विचार से प्रभावित हुई। तत्र मीन्स वहाँ ईसाई धर्म की स्त्री विषय के उत्तम विचार से प्रभावित हुई। तो बच्चों ये पैराग्राफ समझ में आया होगा और बाकी का हिंदी ट्रांसलेट हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ाएंगे। तो बच्चों ध्यान से ये रीड करना, पैराग्राफ जितना पढ़ाया है उतना रीड करना है और हिंदी ट्रांसलेट नीटली अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो बच्चों नहीं समझ में आता है तो वीडियो दोबारा देखा करो, ठीक है, उसमें अच्छी तरह से ट्रांसलेट लिखा होगा। और उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एक से लेकर चैप्टर वन से लेकर फोर तक सभी ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और ग्रामर का भी वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। जिसका भी वर्क कंप्लीट है वह अपना वर्क मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करें, ठीक है, लेकिन कंप्लीट ग्रामर और रीडर का कंप्लीट वर्क ही सेंड करें, नहीं तो ना करें, ठीक है, नहीं तो कोई भी सेंड नहीं करेगा, इनकम्प्लीट वर्क कोई सेंड नहीं करेगा, कंप्लीट करके ही अपना वर्क सेंड करना, ठीक है, मैं उसका देखूंगी और जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट करें, नीटली वर्क कीजिए। देखिए आपके साथ वाली बच्चियों ने अपना वर्क दिखाया, नीटली वर्क किया, सुंदर सुंदर राइटिंग और लिखा, दीपिका, मुस्कान, कनक, ये तीनों बच्चियों ने मुझे अपना पूरा वर्क दिखाया, बहुत ही अच्छा वर्क किया है। उसी प्रकार उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी अच्छा वर्क किया होगा और जल्दी से जल्दी आप अपना वर्क चेक कराएं। धन्यवाद।